आनंद भवन जो है गाइस वो है गांधी परिवार का, पूरे गांधी परिवार का, जो कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जो सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज मैं अभी आ गया हूँ आनंद भवन के पास, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर है। तो मैं अभी चल के अंदर आपको पूरा कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ अच्छे तरीके से। सो ये है कुछ भवन उनका, वो है ये जो उनका पहला घर है, इसमें महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी सब लोग जो थे, एंड उन्होंने बाद में जाके भारत सरकार को ये दे दिया। सो अब ये भारत सरकार के अंडर आता है, देख सकते हो आप लोग, बाहर सामने बोर्ड भी लगा है आनंद भवन का। सो ये है, एंड इसके अंदर चले गाइज, ये सामने बोर्ड लगा है आनंद भवन का। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे गाइस, दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या है यहाँ पे, और पूरे अच्छे तरीके से आपको पूरा अच्छे तरीके से गाड़ी करके पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा गाइस। तो कुछ इतना बड़ा भवन है इनका, जो कि यहाँ पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड उनकी फैमिली के मतलब रहते थे, बट इस टाइम भारत सरकार को दे दिया, इंदिरा गांधी ने भारत सरकार को दे दिया। तो उसके अंदर म्यूजियम भी है, तो उसके अंदर मैं आपको लेकर चलूँगा, चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस मैं आ गया हूँ आनंद भवन के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से आनंद भवन दिखता कैसा है। तो आनंद भवन जो है गाइस वो है गांधी परिवार का, पूरे गांधी परिवार का, जो कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जो भी थे पहले लोग, वो लोग रहते थे पहले, एंड उन्होंने बाद में ये चीज़ भारत सरकार को सौंप दिया। एंड इसके अंदर म्यूजियम का घर एंड बहुत कुछ है, तो आपको मैं दिखाने आ रहा हूँ। एंड देखो गाइस मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ, कितना अमेजिंग दिखता है गाइस उस जमाने का, इस टाइम भी इतना अमेजिंग लगता है गाइस। सो गाइस ये देखो, सो गाइस ये है आनंद भवन, जो कि मैं अभी आपको दूर से दिखा रहा हूँ, एंड पास से जल्द दिखाऊंगा। सो गाइस ये देखो कितना अमेजिंग दिखता है, एंड इसके आगे गार्डन, एंड ऊपर देख लो गाइस इतना बेहतरीन दिखता है। एंड गाइस वो है सामने म्यूजियम, एंड उधर भी कुछ है। तो ये था पूरा जो नेहरू परिवार का, पहली फैमिली यहाँ रहती थी, पूरे गांधी परिवार की फैमिली यहाँ रहती थी गाइस, सबसे पहला घर उनका यही है, तो जो कि इस टाइम भारत सरकार के अंडर में आता है। एंड गाइस इसके अंदर मैं आया हूँ पहली बार, तो अगर गाइस ये ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक करना गाइस। एंड गाइस बहुत ही मस्त है, अभी भी बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, एंड आगे से ना इतना अमेजिंग लग रहा है। एंड उस टाइम पे जिसने बनाया होगा घर पे, भाई साहब क्या होता, बहुत ही अमेजिंग घर है। तो चलते हैं अंदर, मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ आनंद भवन के अंदर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है आनंद भवन बाहर से, बाहर का एरिया कुछ ऐसा है, और ये देख सकते हो सगन में विसर्जन से पूर्व जवाहरलाल नेहरू की अस्थियाँ यहाँ रखी गई, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू जब एक्सपायर हुए थे तो उनकी सबसे पहले अस्थियाँ यहीं रखी गई थी, तो उसी का स्थान है। एंड वहाँ पे देख सकते हो अभी पानी में चला जाता है सब, एंड भवन देखो गाइस पास से और भी अच्छा दिखता है, और भी अच्छा दिखता है। ये देखो देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा है गाइस पास से। तो चलो जाइए अंदर चलते हैं, एंड पढ़ लो इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समावेष्टि हैं जिस प्रकार लोगों की हृदय में जिनकी उन्होंने सेवा की, तो आप लोग देख सकते हो। सो गाइस ये जो अंदर का बैठक रूम है जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, तो ये वो रूम है जो कि आप लोग देख सकते हो, मैं शीशे से दिखा रहा हूँ आपको बाहर से, क्योंकि तो आप लोग देखो ये है वो बैठक रूम जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी नेता लोग जो थे यहाँ बैठक करते थे। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं। गाइस ये है जो पूरा यहाँ बैठक होती थी, देख सकते हो बैठक एंड ड्राइंग रूम, वो सामने लिखा पड़ा है, तो यहाँ होती थी वो बैठक जो भी जैसा भी डिसीजन ले रहा है तो यहाँ होती थी वो। एंड गाइस उस टाइम का देख सकते हो गिलास विलास सब कुछ रखा गया है यहाँ, तो उस टाइम की, और चेयर वेयर भी है उसी टाइम की। तो अब चलते हैं ऊपर जाने का जीना है रास्ता, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बात, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो भाई ये है मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, जो कि आप लोग देख सकते हो जहाँ मोतीलाल नेहरू जी पढ़ा करते थे यहाँ पर, जो कि आप लोग देख सकते हो अभी भी रखा गया है, जो कि जहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी ने पढ़ाई की थी। तो ये है वो चीज़ फोन किया, और भी ऐसे रखा गया। तो अब यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं, नेहरू यही रहते थे, जैसे कि वहाँ इनका बेडरूम है, ये मोतीलाल नेहरू जी का बेडरूम है ये, तो यहाँ देख सकते हो ये सब कुछ, एंड इनका भी बेड है क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी यहाँ रहते थे, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड उनके जितने भी लोग थे, माता पिता दादा उनको सब लोगों का फोटो यहाँ पड़ा हुआ है, मोतीलाल नेहरू का भी लगा हुआ है। तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो भाई वो जो सामने ड्रेस टंगा हुआ है वो तो मोतीलाल नेहरू जी नाइट में पहनने का ड्रेस था उनका, रात में राजू था। एंड ये भी एक रूम ही है एक तरफ से, एंड उनका परफ्यूम वर्फ्यूम जो भी है ये सब कुछ है यहाँ पे, एंड उनका अलमीरा अलमीरा। तो गाइज मैंने आपको इसके अंदर जो भी था मैंने दिखा दिया, एंड अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे और अब जाएंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। तो चलो चलते हैं गाइज, अभी म्यूजियम के अंदर, तो ये यहाँ से एंट्री होती है, एंड ये है म्यूजियम जो कि आप लोग देख सकते हो नेहरू, यहाँ पे नेहरू जी के बारे में एक पूरा म्यूजियम का एरिया है गाइस, ये जो जितना भी एरिया है। एंड यहाँ पे फोटो वोटो दिखा दो गांधी जी का, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का, देख सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी,
और फिर गांधी आए एंड ये सब कुछ है जो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड सब कुछ जितने भी लोग थे उनके बारे में दिखाया गया है यहाँ पे एंड उनको म्यूजियम है, पूरा म्यूजियम का एरिया है। तो क्या बता सकते हो, ये है इंदिरा गांधी एंड ये है उस टाइम का जब इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, तो उस टाइम का है। ये देख सकते हो स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएँ, जब महिलाएँ गई थी स्वतंत्रता संग्राम में एंड ये नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो कि आप देख सकते हो, सारी नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं ये सब कुछ एंड पिता और माँ। तो ये हैं एंड ये म्यूजियम है एंड इंदिरा गांधी और नेहरू जी थे इधर एंड फिर यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। और गाइस ये है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इंदिरा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ये सारी पुस्तकें हैं, भगत सिंह द्वारा, ये सारी पुस्तकें हैं जिन्होंने लिखा गया था, उनके ऊपर लिखी गई है और लिखे गए हैं। और देखते हो उस टाइम के फोटो है उनके ये सब गाइस, ये इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब कुछ है यहाँ पे, ये सब कुछ देख सकते हो। सो यही था इस म्यूजियम के अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो भाई ये बहुत जिसमें नेहरू जी का फोटो बना है एंड ये है इंदिरा गांधी जी का फोटो, तो ये सब है जिस टाइम नेहरू जी, इंदिरा गांधी वो सब बने हुए थे प्रधानमंत्री एंड उनके फोटो है, कुछ यादें हैं यहाँ पे एंड। तो भाई ये म्यूजियम यही था जो कि मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है, सब कुछ हम घूम चुके हैं फिर, तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर गाइस, चलो चलते हैं। गाइस मैं भी दिखाता हूँ उस टाइम का पंखा जो कि कुछ ऐसा होता था, ऊपर से देख सकते हो बिल्कुल गोल, बिल्कुल जो है गोल होता था पंखा, देखो कैसा है बिल्कुल चौड़े ब्लेड का। तो ये है उस टाइम के पंखे एंड लाइट भी देख सकते हो गाइस उस टाइम के, ये पर्दे वर्दे। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे एंड इस घंटे का क्या प्रोग हमें नहीं पता है। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग निकलते बाहर क्योंकि अब हमें जाना है सीधे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में एंड महर्षि हैं वहाँ पर जाऊँगा मैं, आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ रोडवे से एंड पहले चलूँगा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को लेकर। ये है गांधी परिवार का डाइनिंग टेबल, माने कि जो होता है जो भोजन का एरिया होता है ये है, ये डाइनिंग टेबल उस टाइम का देख सकते हो, सारे बर्तन रखी गई एंड टेबल वेबल ऐसे ही हैं जो कि हमेशा इसकी सफाई वफाई होती रहती है, आप रखे गए वर्कर जो देख सकते हो आप लोग। सो क्योंकि मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर जाने का परमिशन नहीं है। तो अब जो जितना भी था मैंने जहाँ तक मैंने लिया था वो मैंने आप सबको जितना भी था वो दिखा दिया है जो तो मेन था एंड यहाँ पर म्यूजियम है जो कि ये सामने है म्यूजियम। तो म्यूजियम का जो है गाइस टाइम फिक्स है, टाइम होता है बट अभी नहीं है वो, तो टाइम उसका टाइम है एक जैसे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐसा टाइम है, तो अभी वो टाइम नहीं है। तो गाइस अब हम चलेंगे यहाँ से बाहर। नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा और हमने एक फ्रेंड है जो कि आकाश का एक फ्रेंड है उससे स्कूटी ले लिया है, तो अब जो है स्कूटी वाला बात होगी तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे। तो भाई आपको मैंने दिखाया कि आनंद भवन दिखाया है, आपको मैंने दिखाया है बड़ी जिला एक जमीन पर लेटे हुए हैं, बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा गाइस, अगर अच्छा फिर लाइक मार दीजिए। तो गाइस बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और गाइस अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ ताकि मेरा कोई भी नया ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक के लिए जय हिंद, बाय एंड सी यू सून।